दोस्तों आज आप लोगों को एक एक्टिव क्रॉसओवर दिखाएंगे जिसका मॉडल नंबर है C223 और ये जो एक्टिव क्रॉसओवर है ये बेसिकली बेटा 3 कंपनी से है। आप लोगों ने तो बेटा 3 कंपनी का एम्पलीफायर भी देखा है, काफ़ी लोगों ने स्पीकर भी देखा है, लेकिन मेरे ख्याल से पहली बार आप देखेंगे बेटा 3 का एक्टिव क्रॉसओवर जिसका मॉडल नंबर है C223। ये बेसिकली इसमें आप 3-way मोनो बजा सकते हैं और 2-way स्टीरियो बजा सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद उसका फ्रंट पैनल आपको दिखाएंगे, फ्रंट पैनल के बाद बैक पैनल का आपका पूरा जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि आप कैसे 2-way में स्टीरियो चला सकते हैं और 3-way जब मोड सिलेक्ट करेंगे तब मोनो में कैसे चला सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रसन्नजीत मित्रा और आपको एसके इलेक्ट्रॉनिक्स का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये है बेटा 3 का एक्टिव क्रॉसओवर जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो C223 है। 2-way मोनो 3-way क्रॉसओवर है ये और ये मैन्युफैक्चर्ड बाय एल्डर ऑडियो मैन्युफैक्चरर कंपनी लिमिटेड है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये बेटा 3 कंपनी का पेरेंट कंपनी है जो ये बनाती है और बेटा 3 मार्केटिंग करती है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं अंदर से क्या क्या निकलता है। तो चलिए अभी इसको खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं अंदर से क्या निकलता है, क्या क्या सामान इसके अंदर है। तो पैकिंग बड़ा कॉम्पैक्ट है, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलिए निकाल लिया, फाइनली बॉक्स के नीचे रख दिया। अभी इसके अंदर ये मैनुअल है और ये उसका पावर कॉर्ड है। अभी इसका फोम से मैं निकालता हूँ इसको और देखते हैं, इसको भी मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। अभी ये प्लास्टिक में रैप किया हुआ है, प्लास्टिक को निकाल लेते हैं। हमने काफ़ी मजबूती से इनका पैकिंग किया हुआ है। और ये आ गया हमारा C223, ये आ गया हमारा C223 और ये 2 चैनल है। अभी हम लोग इसका फ्रंट पैनल चेक करेंगे, फ्रंट पैनल चेक करने के बाद हम लोग इसका बैक पैनल भी चेक करेंगे और आप लोगों को डिस्क्राइब करेंगे, पूरा बताएंगे कि कौन सा क्या आपको कैसे कनेक्शन करना है और कौन सा स्विच का क्या फंक्शन है। तो पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट पैनल से। फ्रंट पैनल में आप जैसे देख सकते हो ये चैनल 1 है, ये चैनल 2 है। पहला जो ये स्विच है ये इनपुट लिखा हुआ है। इनपुट आप जैसे इसको बढ़ाते हो तो यहाँ पर आप देखिए कि 6 dB करके ये बढ़ता है, मतलब जैसे आप गेन बढ़ाओगे 6 dB करके ये ऊपर जाते जाएगा। अभी नेक्स्ट स्विच में आ जाता है ये नॉब में, ये लो और हाई के लिए है। लो और हाई क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो है वो करीबन आपको 30 dB करके एक एक बार में बढ़ेगा। अभी उसका देखिए लो का आउटपुट का है, ठीक है, लो आउटपुट का गेन है ये, जैसे आप बढ़ा से ये भी आपका बढ़ेगा धीरे धीरे। और ये है हाई का आउटपुट, मतलब आप ये चैनल में जो है एग्जैक्टली आपको यही, ये साइड में भी नंबर 2 चैनल में भी वही मिलेगा। जब आप चला रहे हो स्टीरियो मोड पे 2-way 3-way मोड पे ये सब, लेकिन इसका कनेक्शन थोड़ा अलग होगा क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि 3-way मोड पे जैसे आप इसको लेके जाते हो तो ये मोनो बन जाएगा, तब ये स्टीरियो नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये जो आप LED यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्चुअली मोनो और स्टीरियो का इंडिकेटर है। अगर हम लोग स्टीरियो सिलेक्ट करेंगे तो ये ग्रीन वाला जलेगा, अगर हम मोनो मोड सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला जलेगा। तो चलिए इसका बैक पैनल भी अभी चेक करते हैं थोड़ा। बैक पैनल पे आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर में एक रो में लिखा हुआ है और नीचे में भी एक है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है ये जब हम लोग स्टीरियो मोड पे चलाएंगे, यानी कि 2-way स्टीरियो मोड पे चलेगा, तब ये सब हम लोग फॉलो करेंगे ऊपर वाला। जब हम
थ्री वे मोनो पे चलाएंगे तब हम ये नीचे वाला फॉलो करेंगे। तो पहले देखते हैं टू वे मोनो, ये हाई या लो का आउटपुट है, ठीक है। उसके बाद इधर चले जाते हैं, इसमें भी वही है हाई या लो का, ठीक है। लेकिन जब हम लोग थ्री वे पे चलेंगे तब देखिए ये लो का होगा, ये तब नॉट यूज्ड हो जाएगा, फिर ये मिड होगा और ये हाई होगा, ठीक है। और इनपुट आपको यहीं से देना पड़ेगा और ये इनपुट तब काम नहीं करेगा, नॉट यूज लिखा हुआ है। ये जो स्विच है इसको दबा के हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि आपको स्टीरियो पोर्ट में जाना है या मोनो मोड में जाना है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, स्टीरियो मोड पे टू वे चलेगा, मोनो मोड में थ्री वे चलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा बेटा 3 कंपनी का एक एक्टिव क्रॉसओवर जिसका मॉडल नंबर C223 है और जो थ्री वे मोनो है और टू वे स्टीरियो है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। और उसके पहले और एक बात बता दूं कि ये बेटा 3 कंपनी का जो भी मटेरियल होता है ना, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ये काफ़ी रगड़ होता है, आप कितना भी रगड़ दो ये आराम से चलता है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप ये क्रॉसओवर ज़रूर एक बार यूज़ कीजिए क्योंकि ये पैसा वसूल वाला मटेरियल है। तो चलिए दोस्तों इसी नोट पे आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।